गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स, राइट। तो मैथमेटिक्स आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है नंबर रिवीजन। जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं, याद कीजिए आप जब आप प्रीवियस क्लासेस में थे तो आपने वहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, राइट, अलग 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 नंबर, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हमने डिस्कस किए थे, राइट। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग उन्हीं सभी पहलुओं को, उन्हीं सभी नंबर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत नज़रें जमाए रखना आप यहाँ पर बोर्ड पर, एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन चल रहा है तो कुछ समझ, बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगी जिस तरह से आप क्लास में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहले हम लोग नंबर रिवीजन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर को। सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? नेचुरल नंबर को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। यह हो गया नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर दैट मीन्स हिंदी में इसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या, राइट। नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर सबसे पहले आप कहते हैं नेचुरल नंबर उसे कहते हैं गिनती की जो संख्या हो, जो काउंटिंग नंबर हो। काउंटिंग नंबर जो रहते हैं उसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, राइट। अब इसमें देखते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, राइट। ये डॉट 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 देने का मतलब क्या होता है कि ये अब चलता रहेगा, ये कभी कभी अब बंद नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, है ना, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? अनंत, राइट, अनंत तक जाने वाला है, राइट, ये डॉट डॉट का मतलब। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर क्या होता है तो आपका जवाब क्या होगा? 1, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नेचुरल नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है तो क्या कहोगे आप? नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डॉट 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 लगा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है, अनंत है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं पता कर पाया कि नेचुरल नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता है, राइट। स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता है क्या होगा? 1 होगा। सॉरी। अब यहाँ पे देखते हैं, अब एक चीज और देखते हैं यहाँ से। जो जो हम आगे जा रहे हैं, जैसे 1, 2, तो ये नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस में, प्लस में, राइट। ये 5 के आगे कुछ नहीं लगा है, ये भी प्लस में। तो याद रखना आप कि 1 के आगे में 1, 2, 3, 4, राइट, ये जो नंबर है इसके आगे में कुछ नहीं लगा है। यहाँ भी कुछ नहीं लगा, यहाँ भी कुछ नहीं लगा, यहाँ भी कुछ नहीं लगा। दैट मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स ये हुआ कि 1 जो है ये प्लस में है, 2 किस में है? प्लस में। प्लस का साइन लगे या ना लगे, या तो लगा रहे तो भी प्लस में, अगर नहीं लगा रहे तो भी प्लस में, क्लियर है। 2 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में। तो याद रखना आप कि नेचुरल नंबर जो होता है हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव में होता है, राइट। अब और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1, राइट। और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, जो जिसको काउंट किया जा सके, जिसको गिना जा सके, राइट। जैसे ये सब काउंटिंग नंबर है, उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे, राइट। अब चलते हैं हम लोग आगे, क्लियर। ये नेचुरल नंबर का बेसिक्स था, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में काफी अच्छे से डिस्कस किया था। और अब हम आगे चलने वाले हैं, इसमें नंबर में ही हम लोग आगे चलने वाले हैं। अगला जो नंबर है हम लोगों का, वो हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड नंबर पे, वो है होल नंबर। क्या है? होल नंबर, होल नंबर, क्लियर है। होल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अब सबसे पहले बात आती है कि होल नंबर कहते किसे हैं। होल नंबर जो काउंटिंग की फैमिली में,
यानी कि नेचुरल नंबर की फैमिली में, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, क्लियर। ये किसकी फैमिली है? ये नेचुरल नंबर की फैमिली है। किसकी फैमिली है? नेचुरल नंबर, अभी जो पीछे पढ़ रहे थे हम लोग इस अभी अभी, तो इसकी फैमिली में अगर जीरो शामिल हो जाए, देखो जीरो, ठीक है, हो नेचुरल नंबर की फैमिली में, नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर जीरो शामिल हो जाए, अगर जीरो शामिल हो जाए, क्लियर है, क्या कहा मैंने कि नेचुरल नंबर की फैमिली में जीरो शामिल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर जीरो शामिल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब चलो, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे और भी चीजें जानते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ कि स्मॉलेस्ट है ना, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट होल नंबर। अच्छा एक चीज और, जो नेचुरल नंबर होता है उसको कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, अभी पता ना मैं भूल गया, अभी याद है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, और होल नंबर को किस चीज से इंडिकेट करते हैं? बड़ा वाला डब्ल्यू से, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। ठीक, तो नेचुरल नंबर ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है यहाँ पे, तो देखो स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, जीरो से, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? जीरो। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट होल नंबर, ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इसमें भी क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्लियर है। स्मॉलेस्ट होल नंबर डिफाइंड है, जीरो है, क्लियर है। लेकिन ग्रेटेस्ट होल नंबर, ये तो डॉट 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 का मतलब है कि ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी खत्म होगा ही नहीं। तो ग्रेटेस्ट होल नंबर जो है नॉट डिफाइंड, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो। अब चलिए, अब इसको थोड़ा सा नेचुरल नंबर और होल नंबर को कंपेयर करके देखते हैं हम लोग, क्लियर है। अब यहां पे चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो वन है, राइट, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो वन है, वन, क्लियर, ये वन, ये क्या है? ये नेचुरल भी है और होल भी है, क्योंकि वन नेचुरल नंबर में भी आता है और होल नंबर में भी आता है। टू क्या है? टू भी क्या है? नेचुरल भी है और होल भी है। थ्री क्या है? नेचुरल भी है और होल है। बस जीरो जो है ये केवल क्या है? होल नंबर है। जीरो क्या है? केवल होल नंबर है, नेचुरल नंबर है ही नहीं। जीरो क्या है? केवल होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर मैं बोलूं कि जीरो क्या है तो होल नंबर, अगर वही कहूं कि वन क्या है तो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है नेचुरल नंबर की। आशा करता हूं ये पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यस, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था होल नंबर का कॉन्सेप्ट, ये किसके कॉन्सेप्ट था? होल नंबर का कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है तीसरा, जो है वो है इंटीजर नंबर। क्या नंबर? इंटीजर। क्या? इंटीजर, आई एन टी ई जी ई आर, इंटीजर, एन यू एम बी ई आर, ठीक है। इंटीजर को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं? आई से। किस चीज से इंडिकेट करते हैं? आई से। इंटीजर नंबर किससे? आई से। नेचुरल नंबर याद रखिए, नेचुरल नंबर किससे? एन से। नेचुरल नंबर किससे? एन से। और होल नंबर किससे? डब्ल्यू से। और इंटीजर नंबर आई से। इंटीजर नंबर किससे? आई से। अब इंटीजर में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, मैं एक कुछ कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो -5 और इधर में भी डॉट डॉट, क्लियर है। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डैश डैश डॉट डॉट, क्लियर है।
तो यहाँ पे देखो इंटीजर किसे बोलेंगे, इंटीजर किसे बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन मतलब संग्रह, कलेक्शन ऑफ, ये देखिए कलेक्शन है एक, है ना, इसी को कलेक्शन यानी कि संग्रह, है ना, संग्रह, ठीक है, कलेक्शन ऑफ निगेटिव, कलेक्शन ऑफ, इधर का देखो निगेटिव है, ये सब निगेटिव है, निगेटिव में है, कलेक्शन ऑफ निगेटिव, कलेक्शन ऑफ निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव, है ना, कलेक्शन ऑफ निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, और कौन, जीरो, कलेक्शन ऑफ निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर एंड एंड जीरो इज कॉल्ड क्या, इंटीजर ग्रुप, क्या कहलाएगा, इंटीजर ग्रुप, क्लियर है। तो याद रखना जो पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर कहलाएगा, जीरो भी इंटीजर है, और ये जो निगेटिव नंबर हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या हो गया आपका, ये भी इंटीजर के अंदर में आ गया, क्लियर है। तो याद रखना निगेटिव नंबर भी आपका, निगेटिव नंबर भी किस में आ गया, इंटीजर में आ गया, और पॉजिटिव नंबर देखो यहां से जीरो से उधर के लिए क्या होता था, होल नंबर कहलाता था, क्लियर। ये वन से उधर के लिए क्या, वन से जो स्टार्ट होता था वो नेचुरल, जीरो से जो स्टार्ट हो गया वो क्या, जीरो से जो स्टार्ट हो गया वो क्या हो गया, जीरो से जो स्टार्ट हो गया वो हो गया होल नंबर। लेकिन अगर माइनस भी फैमिली में शामिल हो जाए, माइनस भी फैमिली में शामिल हो जाए, राइट, निगेटिव पॉजिटिव और जीरो ये सब शामिल हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर ग्रुप बोलेंगे, इंटीजर नंबर बोलेंगे, क्लियर है। अब चलिए और भी कुछ कुछ बातें करते हैं, क्लियर। यहीं से अब मेन शुरुआत हो रही है, तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग कि किस तरह से ये सब चीजें काम करती हैं, क्योंकि इंटीजर के ऊपर में आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंजीनियरिंग डॉक्टरी सब जगह मैथमेटिक्स में इंटीजर है, क्लियर है, क्योंकि नंबर का सब गेम है। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1 -2 -3 -4, एक मिनट इधर से चलेंगे हम लोग, -5 से, -5 -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, क्लियर है। यहाँ पे ध्यान ध्यान क्या देना है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि -8 ग्रेटर है कि 1 ग्रेटर है, -8 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो ये दिखने में लग रहा है कि 8 है ज्यादा, ये दिखने में लग रहा है कि 8 ज्यादा है, लेकिन ये भी देखो कि माइनस लगा हुआ है। तो याद रखना आप कि माइनस का कोई भी नंबर जीरो से भी छोटा होता है, 1 की तो बात ही मत करो आप, माइनस का कोई भी नंबर जीरो से भी, क्योंकि देखो जीरो के इधर में आता है जी, ये जीरो से इधर कोई भी नंबर आए वो माइनस, माइनस का कोई भी नंबर जीरो से छोटा होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, -8 ग्रेटर है कि 1, तो प्लस में है ये, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है, क्लियर हुआ। अब चलिए ये तो ये आपने डिफरेंस जाना है इन दोनों के बीच। अब चलिए अगर 2 दिया है, मान लो कि -7 दिया है, क्या दिया हुआ है, -7, और 1 दिया है -9, -7 और -9 दिया है, तो इन दोनों में आप मुझे बताओ कि दोनों में ग्रेटर कौन है, दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में -7 और -9 में, -7 और -9 में ग्रेटर कौन है, राइट। तो आप यहाँ पे बताओ मुझे कि दोनों में ग्रेटर कौन है, तो याद करो, देखो यहाँ पे -7 कहाँ आएगा, -5 -6 -7, कहीं यहाँ यहाँ आएगा और इधर जाएगा ये, तो उधर से जब जब उधर से इधर आते हैं तो क्या होता है, वैल्यू घटते जाता है, क्लियर है। देखो 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरह से होता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो -7 के उधर में आएगा, यानी कि उधर से वैल्यू, तो उधर से आ रहे हैं तो वैल्यू घटते आएगा, तो -7 के बाद क्या आएगा, -8, फिर क्या आएगा, -9, कहीं ना कहीं उधर जाएगा, कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ सकता है, तो क्या होगा, जो मेरा वैल्यू इधर में है, जो सबसे इधर में है, यानी कि -7 क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, -7 क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, राइट।
तो याद रखना, इसमें क्या याद रखना है आपको, वो चीज़ मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। इसमें आपको ये याद रखना है कि माइनस का कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर से या जीरो से हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, अगर दो माइनस दिया रहे, ठीक है, अगर दोनों वैल्यू माइनस में दिया रहे, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको, कि जो सबसे जीरो के सबसे पास में कौन रहेगा, -7, तो वही सबसे ग्रेटर होगा। ठीक है, यानी कि वैल्यू जितना छोटा, माइनस में वैल्यू जितना छोटा उतना वो ग्रेटर, वैल्यू जितना बड़ा उतना ही क्या, उतना ही ज्यादा छोटा। तो देखिए मैं और भी नंबर यहाँ पे देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखू -2896, -2896, और एक जो वैल्यू दे दिया मैं -87, -87। अब मैं पूछता हूँ कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा अभी अभी कि माइनस में अगर वैल्यू जितना बड़ा दिखेगा उतना वो क्या होगा, छोटा होगा, उतना ही छोटा होगा। और जितना आपको कम दिखेगा, 87 केवल है, 87 है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। क्लियर है, ये ग्रेटर होगा, है ना, GREATER, ग्रेटर। और ये क्या है, स्मॉलर। ये क्या है, स्मॉलर है। क्लियर है, तो ये चीज था आपका कंप्लीट इंटीजर के ऊपर में, नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटीजर का पूरा कंसेप्ट था। अब हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपको, ग्रेटर ग्रेटर नंबर चूज करना है और स्मॉलर नंबर। क्लियर है, ग्रेटर नंबर चूज करना है और स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो क्या, कि अगला जो वीडियो होना है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर का कैसे प्लस करते हैं, इंटीजर का कैसे माइनस करते हैं, इंटीजर का पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन कर रहे हैं। नंबर लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम ही है रिवीजन, है ना, नंबर रिवीजन, तो वही रिवीजन करेंगे। राइट, तो आपके लिए टास्क मैं भेज रहा हूँ, क्या भेजने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ यहाँ से। राइट, जैसे मैं बहुत सारे नंबर दे दूंगा यहाँ पे, एग्जाम्पल से देखो कि क्या है, उसमें से ग्रेटर और स्मॉलर दोनों को चूज करना है। क्या क्या, ग्रेटर और स्मॉलर। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -27, -2892, और 1, है ना, फिर 0, फिर 386, फिर -322। क्लियर, ये मैंने लिख दिया। अब ये माइनस वाला भी देखो, माइनस वाला भी नंबर है, ये कॉमा है ना, 27 के बाद ये सब क्या है, कॉमा है ना, ये 27 के बाद ये सब क्या है बेटा, कॉमा है, देखो कॉमा कॉमा। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसको हूबहू लिख लेना। ठीक है, अब इसमें से ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और इसी तरह से आपको मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, उसमें से आपको ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर अपनी मैथ की कॉपी जो है उसमें बना के भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -27, -2892, 1, 0, 386, ये सब क्या है, प्लस में है, ये प्लस में है। क्लियर, -3। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे देखते हैं ग्रेटर, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ग्रेटर। अच्छा, यहां से लेके यहां तक में, ये सभी में सबसे ग्रेटर, सबसे बड़ा कौन नंबर है। राइट, तो सबसे बड़ा जो है ये पॉजिटिव वाला नंबर है। देखो वंस, देखो माइनस का तो सब छोटा हो गया, ये तीनों, ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, और ये भी छोटा हो गया। क्लियर, क्योंकि माइनस लगा है, छोटा हो गया। अब पॉजिटिव नंबर है तो 1 भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो ग्रेटर में किसका आएगा, 386 हो गया। अब स्मॉलर में, अब स्मॉलर में देखते हैं। क्लियर, तो स्मॉलर में यानी कि सबसे छोटा में देखेंगे, सबसे छोटा में, तो मुझे बताओ कि सबसे छोटा में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा, क्या कहा मैंने, जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा संख्या, है ना, वही छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो -2892, ये सबसे ज्यादा माइनस में है, यानी कि सबसे ज्यादा कर्जा में यही डूबा हुआ है ना, सबसे ज्यादा जो लोन लिया है इसी ने लिया है, तो ये क्या है, सबसे छोटा है ना, तो क्या होगा इसका आंसर, -2892, ये किस में आ गया, स्मॉलर में। क्लियर है, देखो ये दिखने में लग रहा है बड़ा है 2800, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसीलिए ये छोटा हो गया। क्लियर है, तो
तो मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, इसी तरह से रहेंगे, उसमें कंपैरिजन करना है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।